भाभी जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, प्लीज दे दो। क्या? कौन भाभी? कौन से पैसे? तुम कौन हो? भाभी जी मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे पैसे दे दो। अरे क्या बोल रहे हो, पागल वागल हो क्या? तुम मेरे कोई रिश्तेदार लग रहे हो जो तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूं? ये विकास जी का ही घर है ना? हाँ है, पर तुम कौन हो? हाँ तो भाभी जी मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, प्लीज मुझे पैसे दे दो। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, तुम रुको एक मिनट, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। क्या हुआ रिया, कौन है? साहब। अरे कहाँ घुसते जा रहे हो? साहब आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचान लिया, लेकिन तुम यहाँ कैसे और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साहब मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। जैसे तैसे करके मैंने 50,000 रुपए तो इकट्ठा कर लिए हैं, पर 1 लाख रुपए का कोई इंतजाम नहीं है, प्लीज साहब मेरी मदद करो। अरे भाई तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है तो पैसे हम क्यों देंगे? रिया एक मिनट रुको, तुम पहले शांत हो जाओ, रिया इनके लिए पानी लेकर आओ, तुम इधर आओ, अंदर आओ बैठो, शांत हो जाओ और पानी पियो। साहब बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास, प्लीज मेरी मदद करो। तुम उम्मीद से आए हो ना, तुम्हारी उम्मीद टूटेगी नहीं। रिया अलमारी से पैसे ले आओ। और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? संकोच मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास ये क्या किया तुमने? एक अनजान इंसान को एक झटके में 1 लाख रुपए दे दिए। जिसको पैसे दिए ना वो अनजान नहीं है। अगर अनजान नहीं तो फिर कौन है? तुम्हें याद है एक बार मुस्कान को जब डिलीवरी के लिए मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, तब रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। भैया 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 आप बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सानी जान आप कुछ करो। बहन तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। भाई रुको यार, क्या हो गया भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके जाना है, इसके डिलीवरी का पेन हो रहा है। अच्छा आप रुको मैं देखता हूँ। आप मैकेनिक हो क्या? हाँ भाई साहब, दरअसल मैं अपनी दुकान बंद कर कर घर जा रहा था कि तभी देखा कि आपकी कार बंद पड़ गई है, सोचा आपसे पूछ लूँ। ठीक है प्लीज देखो। भैया भाई साहब एक बार देना स्टार्ट कर कर। जी थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आप जानते नहीं हो कि आपने मेरी किस समय पर मदद की है। कोई बात नहीं भाई, ये पैसे हैं, आपको जितने पैसे चाहिए इसमें से ले लो। नहीं भाई मैं मैकेनिक जरूर हूँ, मगर ये काम मैंने पैसे के लिए नहीं किया, इंसानियत के लिए किया है और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। भाई ये मेरा कार्ड है, लाइफ में आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़े ना आप मेरे पास आना, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है भाई साहब धन्यवाद, बाकी आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए और गाड़ी फिर से बनना पड़ जाए इसलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है ठीक है प्लीज। अच्छा तो यही वो इंसान था जिसने तुम्हारी हेल्प की थी? हाँ ये वही आदमी है, और उस वक्त ये चाहता तो मुझसे कितने भी पैसे मांग सकता था, मैं इसे दे देता, मना नहीं करता, लेकिन इस इंसान ने अपनी ईमानदारी दिखाई और मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा। आज जब ये बेचारा परेशानी में है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि हम इसकी मदद करें। सही कहा तुमने,
और हम ना इनकी वाइफ से हॉस्पिटल में मिलने भी चलेंगे। ठीक है।